यूपीएससी ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें बोर्ड ने शुक्रवार को रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले 83.33% बच्चे पास हुए हैं, जिसमें सीबीएसई ने तय किया है कि इस साल रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी नहीं देगा। बेवजह के कॉम्पिटिशन से स्टूडेंट को बचाने के लिए इस साल मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की जा रही है। 12वीं में इस बार कुल 87.33% स्टूडेंट पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम रीजन 99.91% पास हुए हैं। इसमें बच्चे 90.68% के साथ लड़कियां लड़कों से 6.01% आगे हैं, जिसमें SMS के जरिए चेक किए जा सकते हैं रिजल्ट। फोन के मैसेज बॉक्स पर जाकर, टेक्स्ट मैसेज पर जाकर CBSE 12वीं टाइप करें और बिना स्पेस दिए रोल नंबर दर्ज करें। इसके बाद 7738829899 पर भेज दें, रिप्लाई के तौर पर रिजल्ट आ जाएगा। स्कोर बोर्ड चेक करें तो चेक करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, छात्र का रोल नंबर, स्कूल नंबर, छात्र की जन्मतिथि, एडमिट कार्ड, ID, रिजल्ट चेक करने के प्रोसेस में CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट यानी CBSE.government.in और CBSEresult.nic.in पर जाएं और होम पेज पर CBSE 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक लॉगिन विंडो दिखाई देगा, जिसमें CBSE 12वीं का रोल नंबर दर्ज करें। स्कोर कार्ड स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आगे की जरूरत के लिए CBSE रिजल्ट डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो CBSE 12वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए इस बार थोड़ी अलग प्रोसेस है और बच्चों में स्वयं के प्रति सिर्फ कंपटीशन हो, एक दूसरे से कंपटीशन ना हो और एक हीन भावना उनके बीच में ना हो, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले बहुत सारे सुसाइड केसेस की संख्या बढ़ गई थी, जिसमें बच्चों के जहन में ये बात आ जाती है कि दूसरों से कहीं वो पीछे तो नहीं। इसको देखते हुए इस बार जो टॉपर लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है।